बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक पंधाना श्री श्रीराम दांगोरी जी का। इनके ओजपूर्ण उद्बोधन के बाद आप सब में ऊर्जा का संचार जरूर हुआ होगा। मैं इसके पश्चात अनुरोध करती हूँ, अब बारी है खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग सुश्री उषा ठाकुर जी की, जो महिला शक्ति की मुखर समर्थक हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज के इस पावन मंच पर मध्य प्रदेश के जननायक, हम सबके भाई और प्रिय मामा परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का, माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस पावन भूमि से कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विधानसभा में मेरे साथी आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय जिनको अभी आप सुन रहे थे राम दांगोरे जी, नारायण जी, मंत्रिमंडल में आदरणीय बड़े भाई कुंवर विजय शाह जी, जिले के अध्यक्ष सेवादास जी, समस्त पदाधिकारी जनप्रतिनिधिगण और श्रद्धेय सदन में उपस्थित आप सब भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मैं तो आपसे जब जब आती हूँ कहीं न कहीं किसी बहाने आपका मेरा संवाद होता ही रहता है। आज के इस पावन कार्यक्रम में हम जी भर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। साथियों, ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी संवेदना, जिनकी सेवा, जिनके समर्पण की कोई था ढूंढ ही नहीं सकता, जो हर व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द मानते हुए समस्याओं का समूल समाधान ढूंढते हैं। मैं आप सब की ओर से उनसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आदरणीय भैया, आपका स्नेह हम सब पर ऐसा ही बना रहे और क्रांतिकारियों के, महापुरुषों के सपनों का भारत निर्माण करने में ये संपूर्ण मातृशक्ति अपना सर्वस्व न्योछावर करे। माता बहनों, यदि मुख्यमंत्री जी आपके हमारे लिए ज्यादा चिंतित हैं, तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागृत रहकर कैसे समृद्धशाली भारत का, कैसे सशक्त भारत का, कैसे स्वाभिमानी भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान इस बात की घोषणा करता है कि नारी विश्व के निर्मात्र शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। वो जैसा चाहेगी वैसा परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण होगा। मैं आज आप सब बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जितनी चिंता आप हमारी रखते हैं, उससे अधिक चिंता हम सब बहनें आपके उन आदर्श सिद्धांतों की करने वाली हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं भैया कि भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को मातृशक्ति ने जिस समर्पण से रचा है, लिखा है, उसकी उज्ज्वलता में कभी कोई कमी हम बहनों की ओर से हम नहीं आने देंगे। मैं आप सबके सम्मान में कहना चाहती हूँ, नारी ही है वसुंधरा, नारी ही है वसुंधरा, जिससे है जीवन हरा भरा, नारी के है रूप अनेक, शीतल शीतल धूप अनेक, जिसके सत के आगे राम झुके और ममत्व के आगे श्याम झुके, उस नारी की क्या परिभाषा जिसके आगे स्वयं भगवान झुके। मैं आप सबका हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जिस विभाग की सेवा आपने मुझे सौंपी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज़ादी के इस 75वें वर्ष में आप अपने घरों में कोई एक क्रांतिकारी जो आपको अच्छे लगते हो उनको स्थान अवश्य दीजिएगा। माता बहनों, आप विचार करेंगे कि इस चित्र से क्या होगा। मेरा विश्वास है वो चित्र देखकर बच्चों की चित्त वृत्ति परिवर्तित होगी, वो उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने इस मनुष्य जीवन में ऐसा क्या करें धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के रक्षार्थ। मेरी ये प्रार्थना आप स्वीकार करेंगी, मैं भली भांति जानती हूँ ये राष्ट्र के प्रति हमारा ऋण है और हमें राष्ट्र ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण से उऋण होना बहुत ही आवश्यक है। क्रांतिकारियों का एक आह्वान पहुंचाती हूँ आप तक और अपनी बात समाप्त करूंगी। क्रांतिकारियों की क्या अपेक्षा है आपसे और हमसे,
वो कह रहे हैं राष्ट्र के श्रृंगार हम सब के लिए आह्वान है, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तुम माने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यो ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, वह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे, जो धरोहर दी तुम्हें वो हाथ से जाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। जब देशद्रोही खा रहे देश के भूगोल पर, जब भेड़िए मंडरा रहे हो, आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दने उनकी मरोड़ो, जो विरासत में मिला वो खून तुमसे कह रहा। सिंह की खेती किसी भी स्यार को खाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। जय हिंद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के द्वारा पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। विभाग के द्वारा आप सभी तक पोषण वाटिकाओं के माध्यम से पोषण से सुरक्षा का संदेश देने के लिए एक फिल्म तैयार की गई, एक लघु फिल्म, 2 या 2.5 मिनट की वो फिल्म है। मेरा अनुरोध है कि कृपया उस फिल्म का प्रदर्शन करें। अपना पोषण अपने हाथ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि स्वस्थ शरीर का मंत्र है। हम जानते ही हैं कि शरीर की पोषण आवश्यकताओं के लिए जरूरी विटामिन और खनिज तत्व फल और सब्जियों से मिलते हैं, इसीलिए रोजाना के आहार में विविधता का होना जरूरी है। बाजार में फल और सब्जियां महंगी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के लोग अपने भोजन में इनका नियमित उपयोग नहीं कर पाते। आजकल अच्छो अच्छो खाना खा रहा है, और पहला तो 3-3 बजे से उठ गया, पीस रहा है, घास उठ रहा, खवा रहा, बना रहा। भोजन में फल और सब्जियों की जरूरत और उनके महत्व और फायदे के बारे में भी उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, इस कारण वे भोजन की विविधता पर ध्यान नहीं देते हैं। और कई जगहों पर तो लोग रोज दाल रोटी या आलू की सब्जी और रोटी या चावल या जो भी खाद्य वस्तु उनके क्षेत्र में सस्ती और आसानी से मिल जाती है उसी को अपना रोज का भोजन बना लेते हैं। बच्चों को कुपोषण से बचाने और भोजन में विविधता हेतु सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे भोजन में विविधता को लाना, स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना और अपना भोजन खुद उगाएं जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना। इसी क्रम में प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2017 में पंचवटी से पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इन्हीं में से एक कदम है आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्तर पर और परिवारों में पोषण वाटिका बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी आहार में विविधता के लिए पोषण वाटिका कारगर साधन है। पोषण वाटिका का उद्देश्य समुदाय में पोषण व्यवहार की ऐसी आदतों का विकास करना है जिनके माध्यम से समुदाय के लोग अपने परिवार के लिए जरूरी पोषण की सामग्री खुद ही उगाएं, ताकि परिवार के सभी सदस्यों, महिलाओं और बच्चों को आसानी से विविधतापूर्ण जरूरी पोषण मिले। पोषण वाटिका में कई शासकीय विभाग जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग,